शाहजान भाई, मैंने ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया और मेरा सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरा पासपोर्ट अभी तक मेरा घर में पहुंचा नहीं। शाहजान भाई, एक बात बताइए, मैंने पैन कार्ड के लिए कब का अप्लाई कर चुका हूँ, मेरे को रेफरेंस नंबर भी मिल गया, लेकिन वो पैन कार्ड मेरा घर में अभी तक पहुँचा ही नहीं है। शाहजान भाई, मैंने प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मेरे को मैसेज भी मिला था रेफरेंस नंबर, लेकिन अभी तक वो प्लास्टिक आधार कार्ड मेरे पास पहुँचा ही नहीं है। शाहजान भाई, एक बात बताइए, आखिर में ये स्पीड पोस्ट ऑफिस वाला करता क्या है? ये लोग क्यों इतना लेट करता है? तो दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है, आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, कैसे आप लोग इंडियन पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, आप लोगों का सामान कहाँ पे है, कौन सा जगह में फंसा हुआ है, आप लोग सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आप लोग यहां पे सिंपली लिख दीजिएगा इंडिया पोस्ट डॉट इन ट्रैकिंग, लिख के आप लोग सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर वाला जो लिंक है ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट, इस वाला लिंक को आपको टिक करना है। करने के बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कंसाइनमेंट नंबर, ठीक है। मान लीजिए आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे फाइल नंबर लिखना पड़ेगा, या आर्टिकल नंबर, या रेफरेंस नंबर, जो भी आपको नंबर मिला है मैसेज के दौरान जो भी नंबर आपको मिला है, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर डालूंगा क्योंकि मैं आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो मैं आर्टिकल नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। आर्टिकल नंबर डाल दिया, डालने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा है 4+5 यानी 9 9 डाल के सर्च पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, सर्च पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सारा डिटेल्स आ जाएगा डिलीवरी ऑप्शन का। मैं थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन है बीपीसी बलराम, ठीक है। बीपीसी बलराम जो है ये आइटम बुक किया था 28 तारीख को 22:15 में, ठीक है, रात में। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, आइटम को पैक किया 30 तारीख को, 2 दिन बाद। उसके बाद उन लोगों ने डिस्पैच किया 30 तारीख को 21 बजे, ठीक है, 14 बजे पैक किया था 30 तारीख को, और उसके बाद 30 तारीख को इन लोग डिस्पैच कर दिया 21 बजे, ठीक है। इसी तरह आइटम रिसीव किया CKOLAPTMO ऑफिस जो है, इन लोगों ने रिसीव किया 3 तारीख को 1:05 में, ठीक है। इसी तरह ये सामान स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली नहीं आता है, ये जो स्पीड पोस्ट है ये सामान डायरेक्टली नहीं आता है, ये स्टेप बाय स्टेप ऑफिस के दौरान आता है, ठीक है। ये सामान कलकत्ता में आया, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बुक एट बीपीसी बलराम, बुक ऑन 28 तारीख, डेस्टिनेशन पिन कोड 7000018, उसके बाद आर्टिकल टाइप इनलैंड स्पीड पोस्ट, डिलीवरी लोकेशन बरतल्ला, डिलीवरी कंफर्म 4 तारीख को, ठीक है। यानी ये सामान 4 तारीख को डिलीवर हो चुका है कलकत्ता बरतल्ला पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। ये सामान अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, यानी कस्टमर के पास ये सामान कस्टमर अभी तक रिसीव नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई सामान है डिलीवरी में लेट हो रहा है तो आप लोग इसी तरह चेक कर सकते हैं आपका सामान का सारा डिटेल्स, कहाँ पे आपका सामान है, या आपका नज़दीक पोस्ट ऑफिस में आ गया कि नहीं, ये सारा चीज़ आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और पूरी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है मेरे को कमेंट करना, मैं ज़रूर इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।